इधर विदिशा के शमशाबाद ग्रामीण इलाके में कुल्फी खाने से 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। बीमार बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है। मामला ग्राम भगवानपुर और बंजारा का बताया जा रहा है, जहां बीमार बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई तो परिजनों ने फौरन बच्चों को लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर के मुताबिक बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई थी। सभी बच्चों का उपचार चल रहा है, फिलहाल सभी खतरे से बाहर है। आइसक्रीम खाई, पेट में दुखने लगा, उल्टी करने लगे, दस्त करने लगे, अस्पताल ले गया। 5-7 बच्चे, वो तो नहीं, वो मिला भी नहीं, वो अभी देखा भी नहीं उसको। अस्पताल बच्चों को ले गया, अस्पताल वाले करा, इलाज चल रहा है। यहाँ पे 7 बच्चे आए हैं, एक एक करके अचानक शुरुआत हुई थी। उन लोगों का बताया कि 1 बजे के करीब उन लोगों ने कुल्फियाँ खाई थी, उसके बाद से उल्टी होना चालू हुई। बाकी अभी तक यहाँ 7 ही बच्चे हैं, बाकी परिजन बोल रहे थे कि और भी कई सारे बच्चे हैं, टोटल 20 लोग होंगे। तो मेरे पास तो अभी तक 7 ही लोग आए हैं। कुल्फियाँ कई तरह की रहती हैं, दूध की भी रहती हैं, कहीं पानी की भी रहती हैं। अब पानी में यदि कोई खराबी होगी तो उसकी वजह से हो सकता है, और दूध की बनाई होंगी, हैंड वॉशिंग उसमें सही से नहीं करी होगी, इन्फेक्टिव पार्ट होगा उसमें, वो यदि मिक्स हो गया होगा तो उससे भी हो सकता है, कोई टॉक्सिन्स आ गया हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत खतरनाक हो सकती है। गर्मियों में भी डिहाइड्रेशन रहता है, और यदि उल्टी दस्त हो जाते हैं और गर्मी में डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चों के ज़्यादा हो जाए, जान भी जा सकती है। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अच्छी हाइजेनिक जो आइसक्रीम है वही खाएं, और बाहर की चीज़ें।